Okay. Today we are going to know words that are used as material. आज हम लोग ऐसे वर्ड्स के बारे में लर्न करेंगे, जानेंगे, जो कि कुछ मटेरियल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, चलिए ओपन करिए पेज नंबर 88. ओके बेटा, माइक ऑफ करिए, किसके यहाँ से आवाज आ रही है. हमने सभी को म्यूट कर दिया है. अब जिससे भी हम कहेंगे वही अपना माइक ऑन करके रीड करेगा, ठीक है. सभी को माइक नहीं ऑन करना है. ओके, जिसको स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी अपना हैंड शो कर लेंगे, बोलेंगे नहीं. सभी को बुक दिख रही है, गुड. चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं. बेटा हैंड डाउन कर लो सभी लोग. ओके, यू लर्न. हाँ बेटा बोलो जल्दी से. पेज नंबर लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 88 ओपन करना है, बुक बी में चैप्टर नंबर 11. चलो लो पढ़ते हैं. यू लर्न बेटा, नेटवर्क नहीं हुआ आपके यहाँ पे. यू लर्न बुक नहीं दिख रही है. किसको नहीं दिख रही है बुक? दिख रही है उन्नति को. बुक नहीं दिख रही है बेटा आपके, नेटवर्क नहीं है सर. आपको बुक नहीं दिख रही होगी. मैम मुझे दिख रही है. किसको नहीं दिख रही? नेम बोलिए इसको. बुक नहीं दिख रही है. स्वाति को नहीं दिख रही है. मैम बुक दिख रही है. ठीक है बेटा चलिए पढ़ते हैं. अब दिख रही होगी. यस स्वाति, हैंड डाउन करें बेटा. अब दिख रही हो? Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए पढ़ते हैं. Yes ma'am. Yes ma'am. Beds are made of terracotta, wood, metal or cloth. Saddle puppets are made of leather and girdle puppets are made of paper or cloth. You learned. आपने सीखा क्या? सीखा that string puppet, जो string puppets होती हैं, धागे और जो कठपुतली होती है, वो बनी होती है किस चीज से? बनी होती है टेरिकोटा, एक प्रकार की मिट्टी है जिसे मूर्ति बनाते हैं. उससे मिलके उससे बनती है, या तो ऊट से या मेटल से और या क्लॉथ से बनाई जाती है. कौन सी पपेट? जो स्टिंग पपेट्स होती हैं. और जो साइडो पपेट्स होती है वो किससे मिलके बनी होती हैं? लेदर से बनाई जाती हैं जो साइडो पपेट्स होती हैं. एंड ग्लव पपेट्स, जो ग्लव पपेट्स होती है वो किससे बनी होती है? पेपर और क्लॉथ से. किससे बनी होती है? पेपर और क्लॉथ. पेपर एंड क्लॉथ. आपने ये भी लर्न किया जो रॉड पपेट होती है. रॉड पपेट को और हम क्या बोलते हैं? स्टिक पपेट बोलते हैं. क्योंकि जो रॉड पपेट होती है उनको हम स्टिक पपेट भी बोलते हैं. तो ये किससे बनी होती है? मेड ऑफ वुड की बनी होती है रॉड पपेट होती है. ओके आगे देखते हैं. लेदर, वुड, पेपर, टेरिकोटा एंड क्लॉथ आर ऑल मटेरियल्स. यहाँ पे आपने जो भी वर्ड रीड किया, जो कि बोल्ड किया गया, लेदर हो गया आपका, पेपर, क्लॉथ, वुड, ये सभी क्या है? मटेरियल्स है, मीन्स सामग्री है. वस्तुएं बनाई जाती है. वी यूज दीस मटेरियल्स. हम इन मटेरियल का यूज करते हैं कई प्रकार की बनाने के लिए. ऐसे कई प्रकार की चीजें ऐसी हैं जिसका हम यूज करते हुए. कौन बात कर रहा है? उन्नति चुकी है. तो जो हम कई प्रकार की ऐसी चीजें बनाते हैं, सभी सामग्री का यूज करते हुए. कौन कौन सामग्री का? लेदर हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, टेरिकॉटा हो गया, क्लॉथ हो गया. ओके चलिए बताइए हमें, हम लेदर से क्या क्या बना सकते हैं? जमा बताएंगे बेटा, लेदर से क्या क्या बनता है? लेदर से क्या बनता है जो चमड़ा होता है? शूज. शूज बनता है. और क्या बनता है लेदर से?
आपका बैग बना होता है लेदर से, क्यों? बैग मतलब स्लीपर। बेल्ट बनता है लेदर से, जो बेल्ट लगाते हो। ऊट से क्या क्या बनता है? लकड़ी से। हाँ से आप बताइए बेटा, ऊट से क्या बनता है? बेड बनता है। यस, और क्या बनता है ऊट से? बेड बनता है, टेबल बनता है, चेयर बनता है ऊट का यूज करते हुए। चलिए बेटा आप बताइए रिया भारती, ऊट से क्या बनता है? रिया माइक ऑन करिए। ऊट से क्या बनता है? हाँ बोलिए बेटा। मैम चेयर, मैम बेड, मैम टेबल, मैम। आप जहाँ पे बैठे हो आपके पीछे क्या दिख रहा है? डोर दिख रहा है ना? यस मैम, मैम डोर। वो भी ऊट का बनता है। ओके, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हम किस मटेरियल का यूज करते हुए बनाते हैं। क्लॉथ, लेदर का यूज करते हुए, ऊट का, पेपर का, टेरिकोटा का, क्लॉथ का। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर किससे बनता है? किससे बनता है फर्नीचर? बेड से। बेड सीट आप बिछाते हो ना, बिस्तर, वो किससे बनता है? गुड। जो पॉट होता है जिसमें आप फ्लावर लगाते हो, वो किससे बना होता है? से, जो एक मिट्टी होती है, मिट्टी की चीज बनाई जाती है, वो पॉट हो गया आपका, मूर्ति हो गया, सब बनता है टेरिकोटा से। ओके, टेरिकोटा से। हाँ बेटा, बेल्ट किससे बनता है? मैम लेदर। मैम लेदर। न्यूज पेपर लेदर। पेपर, गुड। तो मैं इन सब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग, और जानेंगे और भी कई सारी चीजें यहाँ पे हैं। सर्कल का ऑड, वन आउट इन ईच स्टेप। यहाँ पे कई प्रकार के स्टेप दिए हुए हैं, इसमें जो ऑड है, जो सबसे अलग है, उसी को सर्कल करना है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? पर्स लिखा हुआ है, टूथ पिक लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ, क्रिकेट बैट लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको बेटा? उसी को सर्कल करना है। भाई अलग क्या है इसमें? कौन सा वर्ड इसमें अलग है फर्स्ट वाले में? मैम टूथपिक। मैम टूथपिक कैसे अलग? क्रिकेट। नो, ध्यान से देखो, यहाँ पर्स लिखा हुआ है। मैम टूथपिक जो मतलब दांत को निकालते हैं, लकड़ी का होता है। पेंसिल भी लकड़ी का बना होता है, क्रिकेट बैट भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन पर्स किसका बना होता है? ध्यान दीजिए, लेदर का बना होता है। मैम लेदर। इसमें अलग क्या? लेदर का बना। मैम लेदर का बना। हाँ, तो इसमें सबसे अलग क्या है? पर्स, टूथपिक, पेंसिल, क्रिकेट बैट, क्या अलग है इसमें? मैम पर्स। पर्स अलग है क्योंकि मैम पर्स जो टूथपिक होता है वो भी लकड़ी का बना होता है। मैम पर्स। आपका पेंसिल भी लकड़ी का बना होता है, क्रिकेट बैट भी लकड़ी का बना होता है, केवल यहाँ पे पर्स जो है लेदर का बनता है। इसलिए पर्स आपका बिल्कुल अलग है इन सभी चीजों में। अलग है ना खुशाल? बोले बेटा। शिवम आप बताइए इसमें अलग क्या होगा? उन्नति युग पर्स। पर्स बेटा इसमें क्या अलग है? मैम टूथपिक एंड बैट। इसमें पर्स अलग है, ठीक है, क्योंकि पर्स जो है लेदर से बनता है। बाकी जो भी यहाँ पे वर्ड्स राइट है जैसे टूथपिक होगा, पेंसिल, लकड़ी से बनता है। क्या बेटा? मैम और सब मैम लकड़ी से बनता है। यस, सब लकड़ी से बनता है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में राइट है मैगजीन, बोतल, पोस्टेज स्टैम्प एंड एम्बलम। इसमें क्या अलग होगा?
बताइए। मैम बॉटल। मैम बॉटल। ओके। मैम बॉटल। बॉटल क्यों अलग है? बॉटल। मैम बॉटल। बॉटल अलग क्यों है इसमें? क्योंकि प्लास्टिक का। वेरी गुड। बोतल जो प्लास्टिक का बनता है, बाकी मैगजीन है, पोस्टर, स्टैंप है, इनवॉइस है, पेपर का बना होता है। अब बोतल जो प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए बोतल आपका बिल्कुल अलग है। ऐसे सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। आइडोल, नोटबुक, पॉट, वेस। यहाँ बताइए क्या होगा? नोटबुक। क्यों बेटा? नोटबुक। यहाँ पे पॉट मिट्टी से बनी होती है। आयरन मूर्ति होता है, पॉट में जो गुलदस्ता होता है, वेस में जो गुलदस्ता बोलते हैं, तो ये सभी मिट्टी का बना होता है। बाकी नोटबुक जो है पेपर का बना होता है, इसलिए नोटबुक आपका इसमें बिल्कुल अलग है। तो नोटबुक को सर्कल करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा फ्रॉक। फ्रॉक आपका क्या राइट है? कार्टन, क्वाइन, शर्ट। इसमें क्या होगा? मैम क्वाइन। फ्रॉक भी क्लास का बनता है। कर्टन जो पर्दे होते हैं, कपड़े के बने होते हैं। मैम क्वाइन। या क्वाइन जो है? मैम क्वाइन। मैम क्वाइन। क्वाइन से अलग है। गुड। आगे तो आगे हम देख लेते हैं। सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ वुड। इसमें उस ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है जो कि लकड़ी का बना होता है। चलिए वेदांत आप बताइए बेटा, माइक ऑन करिए। वेदांत आवाज जा रही है आपको? मैम चेयर। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम वेदांत से पूछ रहे हैं। आपने बोला है चेयर बेटा? चलिए आप बताइए आर्यन। आर्यन वर्मा आप बताइए इसमें अलग क्या है बेटा? आर्यन ऑन द माइक। इसमें लकड़ी का क्या बना है? हम बताएं। हाँ बोलो। सिद्धेश साहब बताइए बेटा। मैम डोर। डोर। गुड। टेबल। मैम चेयर। डोर आफ्टर। मैम टेबल। चेयर। टेबल। मैम टेबल। गुड। यहाँ पे देखिए चेयर, टेबल एंड डोर, ये सभी लकड़ी का बनता है। बाकी मिरर एंड इरेजर अलग है। इरेजर रबड़ का बना होता है, मिरर शीशे का बना होता है, ग्लास का। और यहाँ पे चेयर है, टेबल है, दो ये लकड़ी का बना होता है, इसलिए इन सभी को आपको सर्कल करना है, बाकी मिरर को इरेजर को नहीं करना है। ओके सबको आगे समझ में? यस मैम। सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ पेपर। अब यहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो कि पेपर के बने होते हैं। बुक राइट है, पे कार्टन राइट है, वाटर बोटल राइट है, ग्रीटिंग कार्ड राइट है, कैलेंडर राइट है। पेपर का क्या क्या बना होता है चलिए बताइए, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए स्वाति। ऑन द माइक स्वाति। मैम मैम बुक, मैम कैलेंडर, मैम ग्रीटिंग कार्ड। बुक, ग्रीटिंग कार्ड, कैलेंडर। और ये देखिए वाटर बोटल किससे बना होता है? प्लास्टिक का होता है। गुड। और यहाँ पे प्लास्टिक कार्टन होते, पर्दे होते हैं, ये किससे बने होते हैं? क्लॉथ से बने होते हैं। गुड। सबने कंप्लीट कर लिया इतना वर्क? यस मैम। आगे देखिए बेटा, पता नहीं था। रिया चलिए इसको अरेंज करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं।
ओके नंबर अब आ रही है सर्कल का ऑब्जेक्ट को सर्कल करना जो कि तेरी कोटा से बना होता है मीन्स जो मिट्टी का बना होता है डोल लिखा हुआ है आई डोल लिखा हुआ है पॉट लिखा हुआ है नैपकिन लिखा हुआ है और पेस्ट लिखा हुआ है बताइए सिद्धे इसमें क्या क्या होगा जो कि तेरी कोटा से मैम पॉट मैम पेस और अमन पासवान अमन गुप्ता दोनों वीडियो ऑन करें पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सभी बताइए बेटा इसमें क्या क्या सर्कल करेंगे ओके मैम एंड परी माइक क्यों ऑन कर लेती हो आप बहुत आवाज आती है खुद से कोई माइक नहीं ऑन करेगा ठीक है जिसका हम नेम लेंगे वही माइक ऑन करके आंसर देगा चलिए सब ने इसको कंप्लीट कर लिया आगे हम लोग देखते हैं इसका अब बताएंगे हम जिसका नेम लेंगे वही बताएगा ठीक है सबको नहीं बोलना है आराध्या वर्मा माइक ऑन करिए बेटा आराध्या वर्मा यस मैम सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ क्लॉथ मैम टॉवेल टॉवेल और बताइए मैम बैग टॉवेल एप्रन जो पहन के खाना बनाते हैं बावची लोग पहने जाते हैं ना कपड़े का ऐसे लगाए आगे पहने जाते हैं उसी को बोलते हैं एप्रन नेक्स्ट और क्या होगा इसमें मैम बैग बैग तो लेदर का बनता है कपड़े का बना होता है बैग कपड़े का भी होता है दोनों का बनता है जैसे बैग भी कप सर्कल कर सकते हो ठीक है क्योंकि यार लेदर का बनता है और बैग क्लॉथ दोनों से बना होता है बैग ठीक है ओके कपड़े का भी बैग होता है और लेदर का भी बैग होता है मेड ऑफ लेदर इसको इसका आंसर देंगे कंचन कौशल ऑन द माइक कंचन माइक ऑन करिए आवाज नहीं जा रही आपको यस स्वाति चलिए आप बताइए मैम पर्स पर्स मैम सूज सूज मैम बेल्ट बेल्ट वेरी गुड ओके चलिए सब इसको कंप्लीट करिए आगे हम लोग देखते हैं सबने कंप्लीट कर लिया यस मैम ओके देन है सेकेंड थर्ड क्वेश्चन लुक एट द नेम्स ऑफ मटेरियल्स इन द बॉक्स फाइंड देम इन द ग्रिड इसमें आपको मटेरियल्स दिए हुए बॉक्स में इनको देखिए फिर आपको इसको इस पहेली में ढूंढना है तो यहाँ पे देखिए राइट है एल्यूमिनियम बंबू ब्रांच ब्रांच में सारा पीतल ओके कैल्शियम सीमेंट क्ले फाइबर जूट पेपर प्लास्टिक स्टोन देन वुड अब इसको यहाँ पे ढूंढ के थोड़ा सर्कल करिए इसको हम लोग कर लेंगे ना मैम बोर्ड मैम सेकंड वाले लाइन में है क्या मैम सेकंड मैम सेकंड वाले लाइन में है हां सेकंड लाइन में ये वाला मैम फिफ्थ वाले लाइन में है यहां से इसको यहां से करेंगे बेटा ऐसे यहाँ तक जाएंगे इसके ऊपर तक लेकर
आगे एग्जाम देके करना है, ऐसे करना है आपको। देखिए स्पेलिंग सही है ना, A L U M I N I U M. Aluminium. Have you done? बम्बू कहाँ पे राइट है? तो इजी है, यहाँ पे देखिए मिल जाएगा बम्बू। बम्बू अब ऐसे आप लोग आगे ढूंढ के सर्कल करना, ठीक है? यहाँ फाइबर लिखा हुआ है, ये फाइबर आपका एफ आई बी आर ई, फाइबर हो गया ये आपका फाइबर। ऐसे यहाँ पे स्टोन इधर राइट है या नीचे स्टोन है, चलिए अब उसको कंप्लीट करेंगे खुद से, ठीक है? सब लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। यस मैम। यहाँ पे देखिए सीमेंट लिखा हुआ है, ये रहा सीमेंट, सीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये सीमेंट हो गया। देन ऐसे यहाँ पे देखिए क्ले, क्ले लिखा हुआ है, ये इधर सी एल ए वाई क्ले हो गया यहाँ पे। अभी जो बचे हुए हैं आप लोग खुद से ढूंढ के करेंगे, हमने यहाँ पे फाइव कर दिया, बाकी आप लोग ढूंढ के ऐड करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सब लोग कंप्लीट कर लेंगे ना इसको? ओके बेटा, चलिए आगे। बेटा आदित्य आज माइक ऑफ रखिए, बाबा माइक ऑन कर लेते हो, आवाज आती है आपके यहाँ से। Look around you, your house and find the three things made of each of these materials. Write one or two sentences about them. यहाँ पे जितने materials लिखे हुए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है किस से बने हुए three चीजें आपको write करनी है, और फिर आपको सबके बारे में एक एक सेंटेंस राइट करने हैं, एक या दो सेंटेंस राइट कर सकते हो आप। जैसे लेदर का क्या बना होता है आपके घर में, क्या क्या आपको दिखता है आपके घरों में लेदर का बना हुआ? मैम डोर, डोर दिखता है, यहाँ पे डोर राइट कर लेना। फिर डोर, डोर नहीं होता, सॉरी बैग, बैग लिखेंगे, बैग हो गया, बेल्ट हो गया। मैम बेल्ट भी हो गया। मैम शूज हो गया। ओके ऐसे आप यहाँ पे राइट करना। देन यस मैम, डे लिखा हुआ, यहाँ पे क्ले होगा बेटा, डे नहीं होगा, यहाँ पे क्ले होगा, मिस मिट्टी। मिट्टी का बना क्या क्या होता है आप देखते हो? मैम मिट्टी का, हाँ मैम पॉट, पॉट मैम पॉट, वेस देखते हो। ओके तो ऐसे आप राइट कर देंगे। अब ऊट से क्या बना होता है जो आपको आपके घर में? मैम टेबल, टेबल है, और मैम डोर, डोर है, बेड है। ओके स्टील का क्या बना होता है? मैम स्टील, ग्लास हो गया, बाउल हो गया। मैम ग्लास जो यूज करते पानी पीने के लिए स्टील का तो होता है, पैन हो गया जो कढ़ाई होती है, ये सब किसका बना होता है? स्टील का बना होता है ना। देन प्लास्टिक का बना हुआ आपके घर में क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ वाटर बॉटल, और बॉटल भी है, मैम ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, और मैम टब, टब, मैम टब, मैम मैम बकेट भी राइट कर सकते हो। मैम चेयर, बकेट, प्लास्टिक का चेयर भी होता है, गुड, चेयर भी राइट कर सकते हो। टेबल भी हम बहुत प्लास्टिक का, टेबल भी लिख सकते हो। देन आयरन, आयरन मींस लोहा होता है, लोहे का बना क्या क्या होता है घरों में? मैम लोहा, मैम सरिया, हैमर, जो हथौड़ी होती है हैमर बोलते हैं उसको, और क्या होता है? मैं की
क्या बेटा? ओके तो आप लोग इसको सर्च करके राइट करेंगे ठीक है, और सभी से आपको एक एक सेंटेंस भी राइट करना है बना के, जैसे आप नोटबुक में करके सेंड करें। बोलो जल्दी से। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्या पूछ रहे हो? क्या बेटा? हाँ पता, हमने कहा है पे क्ले कर लो, यहाँ पे डे गलती से लिखा हुआ है, पर क्ले होना चाहिए, सी एल यहाँ पे एक में मिल गया है, यहाँ पे सी एल होगा, क्ले होगा, डे नहीं, ठीक है? हाँ बोलो। मैम जिसके पास नोटबुक नहीं है मैं वो नोटबुक में करूँगी। हाँ नोटबुक में करेंगे। यस डे क्या है मैम? मैम ये पपेट्स है, ग्लव पपेट, मैम ग्लव पपेट, ग्लव पपेट है जी। यहाँ पे ओपन करिए, सर्कल द ऑड वन आउट इन द ईस्ट पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर दिख नहीं रहा है बुक में, आप लोग देखिए पेज नंबर है 105 बुक सी। यस मैम, बुक सी। यस बेटा, सर्कल द ऑड वन आउट, इसे भी आपको वही करना जो भी आपने बुक बी में किया है, जो अलग है उसको सर्कल करना है। यहाँ पे राइट है गोल्ड, ब्रांज, कॉटन, सिल्वर, मतलब क्या होगा इसमें बेटा? इसमें अलग क्या है बताइए जल्दी से। मैम सिल्वर, मैम कॉटन, कॉटन जब तक जब तक कपड़ा होगा, बाकी जो गोल्ड है, ब्रांज है, सिल्वर है, सभी चमकदार होते हैं, धातु के बने होते हैं। तो यहाँ पे इसको आप इसको अलग करेंगे, कॉटन को अलग करेंगे। यस मैम। प्लास्टिक, ग्रेनाइट, सीमेंट, मैम ये भी होमवर्क में दे दीजिए। इसमें क्या अलग है मैम? इसमें मैम प्लास्टिक, पेपर, प्लास्टिक, जूट, बम्बू, इसमें क्या अलग है? बैम्बू। प्लास्टिक, स्टील, ग्लास, फाइबर, फाइबर, परफ्यूम, सोप, कैल्शियम, सेंट। मैम कैल्शियम, परफ्यूम, मैम हमारा भी करा बाद में करेंगे। Solve the crossword by finding answer to that clue. यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, क्लू को आपको आंसर ढूंढना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है? यहाँ पे फिर हम क्लू को रीड करेंगे, जो क्रॉस वाला क्लू है, मतलब ये आपका ये जो ऐसे लिखा हुआ है क्रॉस बोलते हैं, जो यहाँ पे ऐसे है इसको आप डाउन बोलते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज योर इरेजर मेड ऑफ, आपका इरेजर किससे बना होता है बताइए जल्दी से। मैम इरेजर, मैम रबर, रबर से भी रबर होता है। तो रबर यहाँ पे कहाँ पे राइट करेंगे हम? नंबर थर्ड में यहाँ पे लिखेंगे रबर, एक एक कॉलम में एक एक वर्ड राइट कर लेटर राइट करेंगे, ठीक है? R U डबल B E R, हमने ऐसे लिख दिया कि आप लोग अलग अलग करके राइट करेंगे। तो याद है आपको कैपिटल लेटर में राइट करना है, स्मॉल में नहीं। R U डबल B E R, रबर। Have you done? Yes, ma'am. Okay. देन आपका है यहाँ पे आगे देखें,
वी वेयर क्लॉथेस मेड ऑफ दिस, हम इससे बने हुए कपड़े पहनते हैं इन विंटर, ठंडी के मौसम में, टू कीप आवर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए हम इससे बने कपड़े पहनते हैं। तो किससे बने कपड़े पहनते हैं हम, जो कि गर्मी में ठंडी में हम लोग गर्म रहते हैं? मैम ऊल। ऊल, ऊल कहाँ पे राइट करेंगे? ऊल नंबर फाइव, यहाँ पे ऊल लिखेंगे। Cool. Then, ma'am, have you done? Yes, yes, ma'am. Most of our utensils are made of this. हमारे अधिक से अधिक बर्तन इससे बने होते हैं। It does not break easily. आसानी से नहीं टूटते हैं। तो आपके घर में देखिए ऐसे कौन से बर्तन जो कि जल्दी नहीं टूटते हैं, किस चीज के बने होते हैं बर्तन? स्टील के बने होते हैं। स्टील, स्टील, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टील। स्पेलिंग क्या होगी स्टील की, बोलिए जल्दी से। गुड। This is the medal you get if you win the third position. यह एक मेडल है जो कि आप प्राप्त करते हो कब, जब आप थर्ड पोजीशन आते हो। तो जो आप उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? वो किससे बना होता है? ब्रांज से, मीन्स पीतल का बना होता है। किससे बना होता है? ब्रांज से, पीतल। ब्रांज मीन्स पीतल होता है। ब्रांज आप राइट करेंगे कहाँ पे? नंबर वन ब्रांच, ये रहा डाउन लिखना है आपको इसमें। वेट करिए, राइट कर रहे हैं हम। ये ब्रांच, बी आर ओ एन जी ई, यहाँ पे जेड ई होगा बेटा, जी नहीं होगा मैम, यहाँ पे जेड ई होगा, जेड ई। हैव यू डन? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे आर, यहाँ पे लिखेंगे ओ, यहाँ पे लिखेंगे एन, यहाँ पे लिखेंगे जेड, यहाँ पे ई, यहाँ पे, ठीक है? मैम यहाँ पर एक ई राइट ही है। हाँ, तो एक पहले से लिखा हुआ है। ओके, देन आगे हम लोग देखते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड एनी बिल्डिंग, इसकी जरूरत कब होती है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, या जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो इसकी आवश्यकता होती है, ऐसी कौन सी चीज है बेटा बताइए? सीमेंट। गुड, सीमेंट। नंबर टू में यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट, ठीक है? यहाँ पे आप सी लिखना, यहाँ पे ई लिखना, यहाँ पे एम लिखना, यहाँ पे ई लिखना, यहाँ पे एन, यहाँ पे टी, हो गया सीमेंट। ऐड कर लेंगे सभी लोग इसको, सीमेंट यहाँ पे ऐसे। ओके, राइट कर लेना, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द विंडोज देन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बेटा? मैम बॉल, बॉल नहीं बेटा, ग्लास होगा। बी केयरफुल, हम सावधान रहो, नॉट टू ब्रेक, मत तोड़ो द ग्लास विंडो, जो खिड़की पे लगा हुआ शीशा होता है, व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, जबकि आप क्रिकेट पे खेल रहे होते हो, तो उसमें आपको सावधान देना है, रखना है, सावधानी रखनी है कि आप विंडो की जो कांच लगे हुए हैं उसको मत तोड़ो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको राइट करना है ग्लास, क्या फिल करेंगे? ग्लास, फोन नंबर में लिखा हुआ है, दिखी नहीं रहा फोन नंबर, बेटा फोर होगा, गलती से यहाँ भी वन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फोर होगा, वन नहीं, यहाँ फोर होगा बेटा, ठीक है? यहाँ फोन नंबर राइट कर लीजिए, फोन नंबर, ठीक है? ग्लास लिखेंगे, जी एल ए
डबल एस ग्लास राइट कर लेंगे सभी लोग। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट में क्या करना है। This is used to make jewelry very expensive. इसका यूज गहने बनाने में किया जाता है, बहुत ही महंगा होता है। ऐसा कौन सा चीज है बेटा? हाँ बोलिए मैम। गोल्ड मैम गहने बनाने में। गहने किसके बने होते हैं? गुड। यहाँ पे आप नंबर सिक्स में मैम गोल्ड ओ एल डी गोल्ड मैम नंबर सिक्स। हाँ सिक्स में गोल्ड लिखता है बेटा। ओके बेटा यहाँ पे देखिए सेशन करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। बाकी आप 3 o'clock पे नेक्स्ट सेशन शुरू होगा आप लोगों का, बात हम लोग पढ़ेंगे फोनिक जंक्शन। ठीक है? यस मैम। क्योंकि इसे जल्दी कंप्लीट करना है और पीछे कोर्स आप सभी का। ओके किसी को पूछना है कुछ? No, man. Goodbye, beta. Goodbye.